झूठे एफआईआर बंद करो, बंद करो, बंद करो, झूठे एफआईआर बंद करो, बंद करो, बंद करो, हम तुम्हारे साथ हैं, नाम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, राष्ट्र की बुलंद आवाज, शरद पवार, शरद पवार, राष्ट्र की बुलंद आवाज, शरद पवार, शरद पवार, नेता कैसा हो, मुंब्रा पुलिस स्टेशन के बाहर एनसीपी कार्यकर्ता देर रात से ही इकट्ठा हो गए हैं। दरअसल कल मुंब्रा बाईपास ब्रिज के उद्घाटन के मौके पर रीदा रशीद ने जितेंद्र अवहाट पर विनय भंग का आरोप लगाया है। मुंब्रा पुलिस स्टेशन में देर रात 354 के तहत जितेंद्र अवहाट पर एफआईआर भी दर्ज की गई है। वहीं एफआईआर दर्ज होने के बाद एनसीपी के तमाम कार्यकर्ता शमीम खान, शानू पठान, बबलू शिमना, बबलू सैयद, जफर नुमानी ऐसे अन्य तमाम महिला और पुरुष कार्यकर्ता मुंब्रा पुलिस स्टेशन पहुंच गए और पुलिस स्टेशन के सामने बैठकर रास्ता रोक दिया। हालांकि पुलिस ने जब इन्हें रास्ते से हटाया तो उसके बाद ये सभी एनसीपी के कार्यकर्ता मुंब्रा पुलिस स्टेशन में बैठकर ही धरना प्रदर्शन करने लगे। एनसीपी के तमाम कार्यकर्ताओं का कहना है कि जितेंद्र अवहाट पर जो एफआईआर हुई है वो एफआईआर झूठी है। इस दौरान क्या कुछ एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने कहा है आपको सुनाते हैं। शमीम भाई, अभी आप लोग यहाँ पुलिस स्टेशन में आंदोलन कर रहे हैं, रात में ही एक एफआईआर दर्ज की गई है और शायद आमदार साहब ने ट्वीट भी किया है कि वो राजीनामा देंगे, तो आप लोग की मांग क्या है और रास्ता भी आप लोगों ने रोक दिया था, यहाँ पर आंदोलन भी कर रहे पुलिस स्टेशन के अंदर? देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि हम निंदा करते हैं जो हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवहाट साहब के ऊपर 354 की झूठी एफआईआर दर्ज की गई। एक एक्स मिनिस्टर, हाउसिंग मिनिस्टर, महाराष्ट्र के इतने बड़े नेता के ऊपर पुलिस एफआईआर दर्ज कर देती है और उसकी जांच भी नहीं करती है, उसकी तहकीकात भी नहीं करती है, तो ये बताइए आपकी आम नागरिक सुरक्षित कैसा रहेगा? तो कल तो किसी भी कोई जगह जाएगा पुलिस स्टेशन और बोलेगा भाई इन पे आप दर्ज कर दो एफआईआर। हम इसकी निंदा करते हैं। और जो आपने कहा, देखिए, जहाँ पे फ्लाईओवर के ऊपर जहाँ के महाराष्ट्र के हमारे सीएम साहब भी मौजूद थे, पुलिस बंदोबस्त के बीच में अवार्ड साहब भी वहाँ इन्वाइटेड थे और वहाँ पे ओपनिंग में वो भी तशरीफ लाए थे, सीएम साहब के साथ उनकी बातचीत चल रही थी, वीडियो में साफ दिख रहा है कि वो अवार्ड साहब इस तरीके से निकल रहे हैं और वो एंट्री करके कहीं ना कहीं साहब को कंफ्यूज करके, हालांकि साहब ने उनको यही बोला कि बहन क्या बहन हमको जाने दो, ये कहना, बहन कहना, बहन को करना, ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इस तरीके का मुझे ऐसा लगता है कि जो छठ पूजा के वक्त मामला हुआ था इस्लामुद्दीन भाई, वो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को आज के डेट में ला करके तब्दील करके उसको जितेंद्र अवहाट साहब को टारगेट किया जा रहा है। हमारी पुलिस डिपार्टमेंट से ये मांग है, हमारी सीपी साहब से ये मांग है कि ये फेक एफआईआर और झूठी एफआईआर को तुरंत रद्द किया जाए। जब तक ऐसा नहीं होगा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, यहाँ पे बहुत सारे धर्मगुरु आ रहे हैं, लेकिन हम बता दें आपके माध्यम से जिस जिस तरीके से ये बात महाराष्ट्र में जा रही है, कहीं ना कहीं से बहुत ज़्यादा लोग इसको लेकर के आक्रोश में आ रहे हैं, मुंब्रा शहर में लोग आक्रोश में आ रहे हैं, मुंब्रा शहर के अंदर बहुत सारी दुकानें बंद हो चुकी है, लोगों ने कहा हमें कामकाज पे नहीं जाना, हालांकि आज मंडे, लेकिन जितेंद्र अवहाट साहब के लिए मुंब्रा शहर का बच्चा बच्चा प्यार करता है, इसके लिए उनके साथ हो जो अन्याय हो रहा है उसे बर्दाश्त नहीं किया। शानू भाई, आप क्या कहेंगे, अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कब तक आप लोग कि सीएम की सिक्योरिटी के अंदर जब 354 दाखिल किया जाएगा तो ताज्जुब हो रहा है। सीएम साहब वहाँ पे है, उनकी इतनी बड़ी सिक्योरिटी है, उस टाइम पे लोग कोई ऐसा कैसे कर सकता है, और एक लोकप्रतिनिधि वीडियो सामने दिखाया जा रहा है, अगर मेरा तो साफ कहना है अगर राजकरण ही करना और राजनीति की लड़ाई लड़ना है तो मंच और चुनाव सामने है, उससे लड़ो। ये क्या औरतों का इस्तेमाल करके राजकरण की राजनीति करते, सोचना पड़ेगा आप इस देश के एमएलए और एमपी को कि उनके ताल्लुक से आप ऐसा हो रहा है, मिसयूज लॉ हो रहा है, तो आम नागरिक का तो बेचारा को दूर तक कोई वास्ता नहीं। कब तक आंदोलन आप लोग का कर रहे हैं और मांग क्या है कि जब तक के जो प्रवीण पवार की एफआईआर
नहीं ली जाएगी और स्पष्ट नहीं किया जाएगा कि एक झूठी FIR पुलिस स्टेशन लेना बंद करेगी। जब तक ये आश्वासन नहीं देगी तब तक हम ऐसा होते हैं। बबलू भाई क्या पूरा मामला है? ओ भाई वैशाल भाई जब जब जंप करेगा। बबलू भाई क्या पूरा मामला है? जो मामला यही है कि कल हमारे लाडले नेता डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब के ऊपर एक झूठी FIR दर्ज की गई है, जो रिदा रशीद है, जो समाज सेवी है कालू भाई के आगे जरिए। कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री आए थे, वो मुख्यमंत्री के प्रोग्राम में आई थी सब जब पवार साहब मुख्यमंत्री जब गए तो उसका जाने के वक्त रिटर्न आने के वक्त वो जब आ रहे थे तो उस टाइम श्रीकांत चिते साहब भी उनको मिले, उनको उनसे बात साइड में किए, पुलिस वाले आए उनको साइड में किए, इधर से भी उस टाइम सामने आए तो उनको एक साइड में का रास्ता तो बोले यहाँ क्या करिए साइड में लिए। यही इतनी बात हुई, कोई इंटेंशन नहीं था। ये झूठी FIR उन पर रिदा रशीद ने हमारे आमदार डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब के ऊपर की है। ये FIR हम जब तक रिटर्न नहीं लेंगे तब तक सरकार ने किया, रिदा रशीद ने उसके वो बनी है। हम यहाँ जब तक और FIR रिटर्न नहीं लिया हम यहाँ से उठेंगे नहीं। क्या पूरा मामला था जिस तरह से FIR रिटर्न लेने की मांग की जा रही है? आप लोग रास्ता भी रोक दिए और मुंगा पुलिस स्टेशन में आंदोलन कर रहे हैं। जब ये परसों के दिन ओपनिंग थी, ओपनिंग के अंदर वो अचानक साहब के सामने आई, जानबूझ के साहब के सामने आई। साहब ने उसको सिर्फ इतना कहा कि बाजू में हो जाने दे बहुत गर्दी है करके, सिर्फ हाथ से यूं करके वो चले गए। उसके बाद में वो आके CM साहब से मिली, उसके बाद में आके वो CM साहब से मिली और उसके बाद में कुछ टाइम में इसने FIR दाखिल कर दी। वो औरत आ रही जोगेश्वरी से, यहाँ क्या करने आ रही है यही नहीं पता चल रहा है कि डिस्टर्ब करने आ रही है। 60-60, 100-100 साल हमारी फैमिलियों को हुआ है मुमरा के अंदर, लेकिन ऐसा कभी हम लोग ने मुमरा में देखा नहीं है कि एक लोक प्रतिनिधि के ऊपर किसी ने ये कर दिया। हम भी चुनाव जीतते नहीं आज तक, हारे हैं, लेकिन जीतने वालों को कभी तकलीफ नहीं दी, उनको काम करने का मौका दिए ताकि वो काम करे। ये कौन आया मुमरा में, ये क्या करना चाहते, क्या ये जातिवाद का लफड़ा लगाना चाहते, कि ये आपस में भिड़ाना चाहते, कि हमारे शहर के जूने युवा लड़कों को अलग अलग केसों में फंसाना चाहते, या हमारे आमदार जो इतना अच्छा काम किए उनको क्या करना चाहते, इनका मकसद क्या है? ये पता लगाना मुमरा शहर वालों के लिए बहुत जरूरी है कि ये लेडी जोगेश्वरी से यहाँ पे क्या करने आ रही है, इसका मकसद क्या है, ये आखिर क्या चाहती है? ये गरीब मुसलमान बच्चों को फंसाना चाहती है, क्या करना चाहती है?